स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हूं स्वाती आपके इंग्लिश एजुकेटर और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर अबाउट एलिफेंट्स एलिफेंट्स रेड द किचन इसका मतलब एलिफेंट्स ने किचन में रेड कर दिया एलिफेंट्स ने किचन में धावा बोल दिया अब यार नाम से ही कितना भारी भरकम सा एक साउंड कर रहा है ना ये चैप्टर तो ये चैप्टर है बड़ा मजेदार एलिफेंट्स की जो इंटरनल फीलिंग्स होती है ना वो हमें पता चलेगी इस चैप्टर में किसने लिखा ये चाप्टर? ये चैप्टर लिखा है में हम पढ़ रहे हैं क्लास एट की ऑक्सफर्ड बुक का यूनिट टू का सेक्शन बी विच इज एलिफेंट्स वेट द किचन नाउ विल सी अबाउट ऑथर कौन है हमारे ऑथर सिंथियामोस मॉस इज अ कॉन्वर्सेशनिस्ट वाइल्ड लाइफ रिसर्चर एंड राइटर तो ये सिंथिया सिंथियामोस जो है मतलब एक कंजर्वेशनिस्ट है कंजर्वेशनिस्ट वो लोग होते हैं जो कन्वर्जेशन मतलब कंजर्वेशन कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना कंजर्वेशन का मतलब जो आ, कोई भी चीज़ को आपको सेव करना होता है जैसे कि आप एनिमल कंजर्वेशन की बात करो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करो या फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करो तो वो एक कंजर्वेशनिस्ट थी वाइल्ड लाइफ रिसर्चर थी मतलब उनके कारण ही आज हमें जो एनिमल्स के बारे में इतना सादा पता है सो शी हैज प्लेड अ बिग रोल इन लेटिंग अस नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड शी वॉज अ राइटर अफकोर्स जब आपके पास इतना नॉलेज आ जाता है तो आपको शेयर करना होता है एंड हाउ डू यू शेयर इट विद देल्प ऑफ राइटिंग शी स्टडीड द एलिफेंट इन केन्याज एम्बोस्ली नेशनल पार्क सो केन्या में जो ये एम्बोसली नेशनल पार्क है इट इज वर्ल्ड इट्स लाइक फेमस फॉर एलिफेंट्स तो वहाँ पर एलिफेंट्स के बारे में इन्होंने पढ़ाई करी थी ओवर ट्वेंटी सेवन ईयर्स लाइक ट्वेंटी सेवन ईयर्स से ज़्यादा शी हैज़ रिसर्च ऑन एलिफेंट्स हर लॉन्ग टर्म रिसर्च हेज़ रिवील्ड मच ऑफ वॉट वी नो अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स एंड इंटेलिजेंट एनिमल्स अब जो एलिफेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं प्लस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और आज हमें एलिफेंट्स के बारे में जितना पता है इनकी देना है मतलब पार्ट दिन एडवेंचर लिखा है अपने बारे में ही अपनी एक छोटी सी स्टोरी जो उनकी इतनी बड़ी इंटरेस्टिंग एडवेंचरस लाइफ थी उसमें से उन्होंने छोटा सा पार्ट डिस्कस किया है सो लेट्स नाउ हेयर द स्टोरी बिगिन स्टडी एंड दी अदर्स बिगेन फीडिंग अराउंड द पेरीफेरी ऑफ द कैम्प अ पेरेंटली माइंडिंग देयर ओन बिजनेस एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ईटिंग ग्रैस अब यहाँ पे आपको पता है जो लोग जितने भी रिसर्चर्स होते हैं स्पेशली जो नेशनल पार्क्स में होते हैं वहाँ पे हर एनिमल का एक नाम होता है दे लिटरली ट्रीट डम एज देर ओन चिल्ड्रेन देर इज़ लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन देयर अगर आपको लगेगा वहाँ पे जाके कि एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोनिटर्ड uh, रहते हैं या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस होते हैं दे लिटरली लव देयर केयर टेकरस एंड द बॉन्ड इज वेरी स्ट्रोंग तो यहाँ पे जो हम अराउंड एलिफेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं एक का नाम है टस्कलेस टी एंड अदर फीडिंग अराउंड द पेरीफेरी ऑफ द कैंप पेरीफेरी मतलब जो पूरा पेरीमीटर है कैंप का वहां पे ये लोग अपना नॉर्मल जो है घास चल रहे थे अपेरेंटली माइंडिंग देयर ओन बिजनेस मतलब अपने काम से काम रख रहे थे एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ईटिंग ग्रास चुपचाप घास खा रहे थे हाउ एवर टस्टलेसिय

टिप ऑफ हर ट्रंक तो घास खाते खाते अपना जो सूंड है अपनी जो ट्रंक है उसका जो टिप है उन्होंने लेके गए कहाँ पे किचन टूवर्ड्स किचन सूंघने के लिए स्मेल करने के लिए कि अंदर खाने में क्या क्या है और कहीं कोई है तो नहीं वर्फ्टिंग फ्रॉम द प्लेस विद द फूड वोज केप्ड अब यहाँ वॉफ्टिंग का मतलब क्या होता है मूविंग जेंटली थ्रू द एयर तो वहाँ से अब जब कुछ खाने का बनता है कुछ बहुत टेस्टी सा जैसे छोले भटूरे हुए पाव भाजी हुआ या गुलाब जामुन हुए कुछ यमी सा जब होता है कहीं रखा होता है तो खुशबू आ जाती है वो ट्रैवल करती है हवा में डेट इज़ वॉफ्टिंग सो वॉफ्टिंग फ्रॉम द प्लेस वेयर द फूड वॉज केप्ट वाज द डिलिशियस ओडर ऑफ वेरी राइप बनानास और वहाँ से किस चीज़ की खुशबू आ रही थी बहुत ज़्यादा पके हुए बनानास की खुशबू आ रही थी टस्कस लव्ड बनाना और टस्कलेस जो हमारे हाथी हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद है बनाना शी हैड फर्स्ट टेस्ट डेम एट द लॉज फीडिंग प्लेस सबसे पहले जब वो जहाँ पे फीडिंग प्लेस होता है लॉज में जहाँ लोग आके जो है एनिमल्स को खाना खिलाते हैं वहाँ उसने सबसे पहली बार बनाना टेस्ट किए थे वेयर द मैन केम ट्वाइस अ डे व्हील बैरो फुल ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट स्क्रैप्स जहाँ पे एक आदमी दिन में दो बार आता था तो जितने भी फ्रूट्स जैसे कि जूस कॉर्नर्स होते हैं या कई मतलब जैसे जहाँ पे होटल्स होते हैं जहाँ फ्रूट्स को वो लोग पील करते हैं तो पील करने के बाद जो उसका कचरा होता है दे डोंट जस्ट थ्रो इट वो क्या करते हैं जहां एनिमल शेल्टर्स होते हैं ना वहां भिजवा देते हैं बिकॉज एनिमल्स वुड लव टू ईट दैट तो ये व्हील बैरो की एक गाड़ी होती है जिसमें वो पूरा का पूरा जो स्क्रैप होता था जो पील्स होते थे उसको लेके आते थे फुल ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट तो पूरे वेजिटेबल के स्क्रैप्स स्क्रैप फ्रूट जो थे वो लेके आते थे सो दैट दीज एनिमल्स कैन ईट दीज पील्स एंड ओल्ड आउटर लीव्स ऑफ एंड कैबेजेस अब इसमें क्या होता था यूजली पील्स होते थे छिलके होते थे पुराने छिलके होते थे बाहर या जैसे कैबेज हुआ या लेट्यूस हुआ तो इसकी लीव्स होती थी लेटस नॉट लेटस बट वन डे देर वॉज अ होल स्टॉक ऑफ ओवर राइप ऑलमोस्ट फर्मेंटेड बनानाज लेकिन एक बार क्या हुआ जो बनानास थे रियल बनानाज आए थे नॉट ओनली पील्स लेकिन वो बहुत ज़्यादा पके हुए थे जो एकदम ब्लैक हो जाते हैं ना जो एकदम बिल्किले से हो जाते हैं फर्मेंटेड मतलब उससे एक स्मेल आने लग जाती है विच यू एन आई कैन नॉट ईट तो एकदम वैसे बनानास थे टस्कलेस लाइक द स्मेल इमिडिएटली और टस्कलेस को वो इमिडिएटली वो स्मेल अच्छी लगने लग गई प्लगड वन ऑफ द स्टॉक उसके बाद उसने क्या किया जो स्टॉक जो पूरा ओवर आई बनाना का जो स्टॉक था वो स्टेम था स्टॉक मतलब स्टेम उसमें से उसने एक निकाला पॉप्ड इन हर इट इन हर माउथ उसको अपने मुंह में डाला मतलब स्वीट उस टेस्ट था एज फ्यू एज पॉसिबल विदर्स और दूसरों को जितना कम दे सकती थी उतना कम दिया फ्रॉम दैट डे ऑन शी पर्टिकुलरली सॉर्ट आउट बनाना और उस दिन से वो सिर्फ इंतजार करती थी कहीं से बनाना आ जाए और मुझे खाने को मिल जाए ऑन दिस इवनिंग द स्मेल वॉज इजिस्टिबल अब हम इस शाम की बात कर रहे हैं इस दिन वो जो स्मेल आ रही थी ना राइट बनाना की वो इजिस्टिबल थी इनरेजिस्टिबल मतलब जिसको आप रोक नहीं पाते अपने आप को इतने ज्यादा मतलब आप अपने आप को किसी भी तरीके से रोक नहीं पाते आपको लगता है बस मिल जाए और आप खा लो शी मूवड क्लोजर टू द किचन अब वो थोड़ा किचन के और पास गई अ फ्लिमजी स्ट्रक्चर मेड आउट ऑफ अ फ्यू वुडन पाउस अब यहाँ पे जो किचन का स्ट्रक्चर था वो कैसा था सिर्फ कुछ पोल्स लगा दिए लकड़ी के और उसको कवर कर दिया था तो फ्लिम्जी मतलब जो ईजिली गिर सकता है फ्लिम्जी का मतलब सब्सटेंशियल एंड ईजिली डैमेज जो इजीली गिर सकता है तो ये फ्लिम्जी स्ट्रक्चर मेड आउट ऑफ अ फ्यू वुडन पोस्ट तो कुछ वुडन पोस्ट थे तो जैसे एक लकड़ी धर लगा दी एक लकड़ी धर लगा दी एक पीछे लगा दी एक इधर लगा दी और उसमें जो है पूरा उसको कवर कर दिया सीजल पोल्स, अब सीजल पोल्स क्या होते हैं? जैसे बांस का पेड़ होता है ना वैसे सीजल पोल्स होते हैं जिससे आप पोल्स बनाते हो जिससे आप मतलब स्ट्रक्चर बना सकते हो चिकन वायर चिकन वायर क्या होता है थिन वायर मेड इंटू शीट्स लाइक नेट्स विद अ पैटर्न ऑफ शेप्स विद सिक्स साइड्स अब चिकन वायर अगर आपने देखा होगा तो जैसे फेंस को कवर करने के लिए एकदम ऐसा बहुत पतला पतला तार वाला जो होता है एक पूरा वायर होता है जिससे आप चारों साइड को कवर करते हो तो वो चिकन वायर से पूरी तरह से कवर्ड था एंड रूफिंग फेल्ट रूफिंग फेल्ट मतलब अ शीट मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन रूफिंग फेल्ट मतलब जो एक पूरा शीट मटेरियल होता है एल्यूमिनियम का जिससे आप ऊपर का पूरा कवर कर देते हो तो इस तरीके से एक फिमजी सा स्ट्रक्चर बना था जो इजीली टूट सकता था शी कु स्मेल अदर गुड थिंग्स एज वेल पाइनएपल्स औरेंजेस एंड वेरियस वेजिटेबल्स उसको सिर्फ बनाना की नहीं बाकी चीज़ों की भी खुशबू आ रही थी लाइक पाइनएपल्स ऑरेंजेस और बाकी के वेजीटेबल्स शी ऑल्सो नोटिस दैट इट वॉज अनयूजअली क्वाइट इन द कैम्प टू नाइट और उसने ये भी नोटिस किया कि आज कैम्प में अनयूजअल क्वाइटनेस थी मतलब बहुत ही ज़्यादा शांति थी there were नो वेरियस एंड there was नो no strong immediate स्मेल ऑफ humans मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमन की स्मेल को बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो उसने क्या रियलाइज किया कि ह्यूमन्स की स्मेल नहीं आ रही है शी स्टॉप फीडिंग एंड रंबल जेंटली तो उसने घास खाना अचानक से एकदम बंद किया और धीरे से रंबल किया जम्बल मतलब क्या होता है ग्रोन करना आवाज़ निकालना तानिया आंसर्ड फ्राम अमंग द पार्म विथ हर अनमिस्टेकेबल लॉन्ग रोलिंग जाम्बल बट स्टेड वे शी वोज तानिया ने जैसे इसने जम्बल किया एक तरीके से क्या था इनका जो अलर्ट साइन होता है ना वो था दूसरों को बुलाने के लिए अपने जो अपने जो जितने भी आ, उनका <clears throat> स्कॉड है मतलब अपने कलीग्स को या अपने फ्रेंड्स को बुलाने के लिए तो तानिया ने क्या किया कि उस रंबल को आंसर किया उसका रंबल एकदम अलग था कैसा था लॉन्ग रोलिंग रंबल तो बहुत लंबा सा उसने रंबल किया लेकिन वो आई नहीं वो जहाँ थी वो वहीं खड़ी रही टेडी टोनी एंड टिली टेडी टोनी एंड टिली ऑल्सो आंसर्ड एंड ओवर टू जॉइन टास्कलेस

चार साल दो साल का छोटा सा बेटा मतलब काफ उसका जो दो साल का छोटा सा काफ ये चारों एनिमल और टस्कलेस का छोटा वाला काफ जो है वो धीरे से गए किचन के पास विद देयर ट्रंक्स हेल्ड आउट इन फ्रंट ऑफ देम और उनके जो ट्रंक था उनका जो सूंड था वो एकदम सामने स्ट्रेट उन्होंने रखा हुआ था दे गॉट विद इन अ फ्यू फीट एंड स्टॉप्ड एंड लिसनड अब जैसे ये किचन है अगर तो किचन के थोड़ा सा आगे तक वो गए और वहाँ जाके रुक गए स्टिल देर आर नो साउंड ऑफ पीपल अब वो इतने पास चले गए किचन के फिर भी कोई साउंड नहीं था किसी के भी आने की आवाज़ नहीं आ रही थी टस्टलेस रीच्ड हर ट्रंक आउट एंड फेर द आउटर वॉल ऑफ द किचन तो अब ने क्या किया वो पास आई और उसका जो ट्रंक था उसने किचन की आउटर वॉल के पास टच करके उसको फील करने की कोशिश करी She wrapped her trunk around a sizzle pole and pulled. अब जो यहाँ पे ये जो एक पोल था, उसने उसके उधर पे राब किया, उसको पकड़ा और खींच दिया। जैसे ही उसने खींचा क्या हुआ? वो खड़ गया। There was a tearing noise as the pole was wrenched away. तो एक टेयरिंग वॉइस थी, एक टेयरिंग नॉइस मतलब देखो, अब वो पोल है तो उसको जमीन पे थोड़ा तो गाढ़ा होगा। तो जैसे उसने खींचा तो एक फटने की एक टूटने की आवाज आई एंड इट इट रेंच मतलब उसने सडनली उसको पुल किया तो पुल्ड अवे वो बाहर आ गया नो वन केम आउट ऑफ द टेंट टू चेज देम अभी भी कोई बाहर नहीं आया अंदर से उन लोगों को भगाने के लिए वहां से द अदर्स मूव्ड फॉरवर्ड अब जैसे ही लगा कि अरे कोई नहीं आया इसका मतलब अंदर कोई नहीं है अगर अंदर कोई भी ह्यूमन होता तो भगाने के लिए बाहर आता तो बाकी के भी सामने आए एंड आल्सो स्टार्टेड पुलिंग ऑन द पोल्स एंड द वायर और उन्होंने भी क्या किया जो पोल्स थे जो वायर्स थे उनको पुल करना स्टार्ट किया टस्कलेस क्विकली मेड अ साइजेबल होल इन वन वॉल ऑफ द किचन टस्कलेस ने वो वॉल में एक होल बना दिया एक अच्छा बड़ा होल बना दिया किचन की वॉल में शी रीच्ड हर ट्रंक इन एंड ट्राइड टू फील फॉर द बनानास तो उसने क्या किया उसको बनानास चाहिए थी तो उसने क्या किया उसने अपनी ट्रंक को उस होल के थ्रू अंदर डाला और उसने फील करने की कोशिश की कि बनानास कहाँ पे है बट देवर ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ द किचन लेकिन वो किचन के ऑपोजिट साइड में रखे हुए थे एंड अ टेबल एंड अ कबर्ड वर इन हर वे तो वहाँ पे क्या था जैसे ये आपका मान लो किचन है तो वो यहाँ से उसने अपनी ट्रंक डाली लेकिन बनाना यहाँ पे थे और इस बीच में एक टेबल था और एक कबर्ड था तो वो वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी शी बिकेम एंड हर हेड अगेंस्ट द वॉल एंड पुश्ड अब उसका दिमाग खराब हो गया उसको बहुत ज्यादा रजिस्ट नहीं कर पा रही थी वो बहुत इम्पेश हो गई बहुत इम्पल्सिव हो गई उसने क्या किया अपना हेड जो था वो दीवार से बैंक किया और दीवार को पूरा गिरा डाला द बिल्डिंग स्वेड बिफोर कोलेप्सिंग साइडवेज अब जैसे उसने एक हेडशॉट दिया तो क्या हुआ? पहले बिल्डिंग थोड़ी सी हिली जो किचन था वो थोड़ा सा उसने स्वे किया और फिर कोलेप्स कर गया वो मतलब पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया गिर गया द बनाना स्वेयर अंडर द टिल वॉल एंड रूफ और जो बनानास थे अब उनके ऊपर वो रूफ गिर चुकी थी बट टलेस वेस जो थी उसने अनडिटर्ड मतलब डिड नॉट अलाउड टू स्टॉप हर फ्रॉम गेटिंग टू हर गोल डिटर नहीं मुझे बनाना तो खाने हैं तो उसने क्या किया शी वेंट अराउंड टू द अदर साइड वो दूसरे साइड गई विच वॉज मोर अ लेस इंटैक्ट अब क्या हुआ था एक साइड के पोल्स तो उन्होंने गिरा दिए वहाँ के वायर्स उन्होंने गिरा दिए लेकिन उस साइड का जो पोल वाला पार्ट था वो अभी भी थोड़ा सा जमा हुआ था इंटैक्ट था एंड स्टार्टेड फोर्सिंग हर वे टू द बॉल उसको चाहिए थे बनानास तो उसने अपने आप को वहाँ से फोर्स करना स्टार्ट किया वंस शी गॉट हर हेड इन साइड शी बिगेन टू पुल थिंग्स आउट और जैसे ही उसने अपना हेड इन घुसा लिया मतलब उसने इंसर्ट कर लिया चीजें उसने बाहर डालनी स्टार्ट करी push things over open things up and gather in as much food as she could ab usne cheezon ko push karna chalu kia, aur jitna possible tha utna food gather karna start kia. the bananas went first inside her mouth of course closely followed by the pineapples oranges mangoes and papayas तो पहले तो पूरे बनाना अंदर गए फिर पाइनएपल्स ऑरेंजेस मैंगोस पपाया सारे फ्रूट्स खा लिए उसने दीज फ्रूट्स इवन लार्ज पाइन कुड बी प्लेस्ड होल इन द माउथ एंड क्रश्ड इन द ह्यूज ग्राइंडिंग मोलाज विद अ ग्रेट गश ऑफ जूस अब उन्होंने क्या किया सारे फ्रूट्स खा लिए इनफैक्ट जो बड़े बड़े पाइन थे वो भी एक साथ मुंह के अंदर गए और जो उसके मोलाज थे मोलाज मतलब क्या है जो टीथ थे ग्राइंडिंग टीथ जो होते हैं उसमें जैसे ही उसने उसको अंदर डाल के क्रश किया तो गश ऑफ जूस जो जूसी पाइनेबल था उसका पूरा जूस आ गया एंड शी एंजॉयड इट इट वॉज नियर एक्सटसी मतलब इट वॉज नियर एक्सट्रीम हैप्पीनेस। द वेजिटेबल्स कैरेट्स पोटैटोस टोमेटोज अनियंस लेटिस लीफ्लावर्सुम्बर्स एवोकेडोजर मतलब इन सब के बाद ये सब भी पूरे उन लोगों ने खा लिए मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वर स्टोर्ड इन टेन ट्रंक्स बट दिस पोज नो प्रम फॉर एन एलिफेंट जो मैक्सिमम जो फ्रूट्स थे और वेजिटेबल्स थे वो उन्होंने टिन के ट्रंक में रखा था मतलब टिन के ऐसे बॉक्सेस में रखा था लेकिन एक एलिफेंट को टिन के ट्रंक से क्या प्रॉब्लम थी उन्होंने लिया उसको पलट दिया सब बाहर आ गया खा लिया टिन ट्रंक वॉज लिफ्टेड एंड टर्नड अपड डाउन जो टिन ट्रंक था उन्होंने उसको उठाया और उसको उल्टा कर दिया अपसाइड डाउन मतलब उल्टा कर दिया एंड स्टेप ऑन बिट एंड अबाउट इफ नेसेसरी और अगर चाहिए था किसी पे तो किसी पे पैर रखा उसके बाद उसको किक कर दिया Until it's its contents. मतलब कब तक उसको खोला जब तक उसके पूरे जो कॉन्टेंट था उसके अंदर जो भी सामान था वो बाहर नहीं आ गया मतलब पोर आउट इन लार्ज क्वांटिटी डिसगोज का मतलब क्या होता है बाहर आना पूरा का पूरा आपने पलट दिया उसको वंस द फ्रेश प्रोड्यूस वॉज फिनिश्ड तो ये जो यमी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थे जैसे ये खत्म हो गए टस्क लेस टू सर्च अलाउंड फॉर अदर डेलिकेसीज़ तो अभी इनका पेट नहीं भरा था तो टस्क ने क्या किया बाकी देखने लग गए कि और क्या है खाने के लिए अदर डेलिकेसीज़ मतलब अदर यमी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू ईट शी कुड स्मेल ब्रेड एंड कुकीज एंड क्रैकर्स इन वन वुडन कबर्ड एक वुडन कबर्ड था उसमें उसने जब स्मेल किया तो उसमें से उसको कुकीज की ब्रेड की और जो बहुत सारे जो क्रैकर्स थी उनकी स्मेल आई दिस वॉज नॉक डाउन एंड स्मैश्ड ओपन जैसे ही उसे पता चला उसने उसको नॉक डाउन मतलब उसने गिराया फुल ऑन वो जो था ओपन हो गया द ब्रेड वॉज क्विकली स्नैशअ अप एंड देन द कुकीज एंड क्रैकर्स वी ईटन तो पहले जो थे जो ब्रेड थी वो इट वॉज क्विकली स्नैश अप मतलब क्विकली इट वॉज लाइक ईटन हंग्रीली ग्रीडीली एकदम फटाफट एंड उसके बाद कुकीज़ भी खत्म फिर क्रैकर्स भी खत्म बॉक्स और प्लास्टिक बैग एंड ऑल मतलब जितने बॉक्सेस में जो था जितना था सब खा लिया उन लोगों ने नेक्स्ट अ स्मॉल कैंपिंग द फ्रिज एंड अ कूलर व क्रश्ड इसके बाद एक छोटा फ्रिज रखा था और एक कूलर रखा था उन्होंने उसे भी क्रश कर दिया बट नीदा कंटेंट एनीथिंग इंटरेस्टिंग लेकिन दोनों में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था अब कूलर में क्या होगा इंटरेस्टिंग और फ्रिज में कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग था नहीं तो दे व लाइक ओके कोई बात नहीं अनदर का बोर्ड विद ग्लासेस एंड प्लेट्स इन इट वॉज टिप्ड साइडवेज एंड ब्रोकर ग्लास दी अदर रैकेज़ ऑन द दर्ड फ्लोर ऑफ द किचन अब एक और कबर था जिसमें कांच के प्लेट्स रखे हुए थे और ग्लासेस रखे हुए थे उन्होंने उसको भी पलटा दिया तो क्या हुआ अब नीचे जो था पूरा जो है कांच के टुकड़े पड़े हुए थे तो नीचे जो इतना रैकेज रैकेज़ का मतलब क्या होता है जो मेस क्रिएट होता है द रिमेन्स ऑफ समथिंग बैडली डैमेज और डिस्ट्रॉयड तो उन्होंने जो पूरे किचन को तहस नहस कर दिया था उसका जो पूरा डैमेज था जो नीचे पड़ा था उसमें कांच की ग्लासेस और कांच की प्लेट्स भी ऐड हो गई द बिगर फ्रिज वॉज पोल्ड एंड ड्रैगड फ्रॉम इट्स प्लेस अंटेल इट टॉपल्ड ओवर अब जो एक बड़ा वाला फ्रिज था उन्होंने उसको खींचना स्टार्ट किया उसको खींचा उसको उसकी प्लेट से ड्रैग किया उसको टॉपल कर दिया टॉपल मतलब उसको भी पूरा गिरा दिया फ्रॉम इट्स गैस सिलेंडर अब वो जैसे अपने गैस सिलेंडर से डिसकनेक्ट हुआ नॉक्शियस प्रोपेन गैस हिस्ड आउट ऑफ द डैंगलिंग ट्यूब तो जैसे वो ट्यूब जो था गैस सिलेंडर से डिस्कनेक्ट हुआ तो एक बहुत ही पॉइजनस मतलब जो ये गैस है नॉक्शियस जो एक प्रोपेन गैस होती है वो उधर से निकलने लग गई विद अ साउंड एंड स्मेल दैट वुड सर्टेनली हैव सेंट लेसर एलिफेंट्स अवे उसमें से एक ऐसी साउंड आ रही थी एक ऐसी स्मेल आ रही थी जिस स्मेल आ रही थी जिसमें से मतलब वो एलिफेंट्स को एकदम भगाने जैसी कुछ आवाज़ नहीं आई थी तो किसी को ज़्यादा समझ नहीं आया जस्ट एज टस्कलेस एंड टेडी वर टैकलिंग द थर्ड कबर्ड अब एक और थर्ड कबर्ड था तो टस्कलेस और जो टेडी थे वो उसको भी गिराने के मूड में थे

जो हेडलाइट्स थे दे अराउंड द क्लम्प ऑफ पाम क्लम्प मतलब होता है ग्रुप ग्रुप ऑफ ट्रीज 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 बहुत सारे थे तो ये जो पाम का था वहां से वो कार एंटर करी और उसकी लाइट कहाँ पड़ी सीधा इन फाइव एलिफेंट्स पे पड़ी ऑन अराउंड द टोटली डिस्ट्रॉयड किचन और वही जो लाइट थी वो टोटली totally जो किचन डिस्ट्रॉय कर दिया था उन्होंने उस पर पड़ी द कार हेजिटेटेड फॉर ओनली अ मोमेंट सिर्फ एक मोमेंट के लिए उसने सोचा कि आगे जाऊं या नहीं जाऊं एंड देन द इंजन रोड एंड द कार हेडेड फॉर देम और फिर इंजन ने रोड किया मतलब उन्होंने गाड़ी का एक्सीटर दबाया और उनकी तरफ भागी इच एलिफेंट ग्रैब्ड अ लास्ट ट्रंक Full and or away. सबने अपना अपना जो मिल रहा था थोड़ा बहुत बचा उसको फुल किया और वो वहां से रिलकटेंटली उस प्लेस को जाने लग गए रिलकटेंटली का मतलब क्या होता है When you don't want to do something, इतना मस्त जो है फीसद चल रहा है उनका उसको छोड़ के वो क्यों जाना चाहेंगे तो रिलकटेंटली उन्हें लीव करना पड़ा उस उनका जो बैंकविट चल रहा है मतलब उनका जो एक फीस्ट चल रहा है उस चीज को छोड़कर उन्हें रिलेक्टेंटली वहां से जाना पड़ा टस्कलेस हेल्ड हर ग्राउंड अ लिटिल लॉन्गर देन द अदर्स टस्कलेस ने क्या किया मुझे क्यों नहीं जाना मुझे नहीं जाना अभी मैं क्यों जाऊं अभी तो उसने अपना जो ग्राउंड था उसको थोड़ी देर और रुका कि नहीं मैं नहीं जा रही हो सकता है ये लोग चले जाएं बट द व्हीकल केम स्ट्रेट फॉर हर लेकिन जो व्हीकल थी व्हीकल जो है वो एकदम उसके ही सामने आ गई उड इंजिन नॉइजेज एंड शीट लिफ्ट और जोर जोर से इंजिन की आवाज आने लगी तो उसको भी जाना पड़ा कैरिंग अ बॉक्स ऑफ स्पेगिटी इन हर ट्रंक वाइल चिंग ऑनपर बैग फुल्फ अ पाउंड ऑफ गार्लिक अब उसने क्या किया मुँह में क्या भरा हुआ था एक बड़ा सा पेपर बैग जिसमें गार्लिक था गार्लिक मतलब लहसुन और उसके अलावा उसकी ट्रंक में उसने क्या लेके जा रही थी एक स्पेगिटी का पूरा बैग आई कैन स्टिल क्लोज माई आईज एंड विविडली सी द डिज़ास सीन मतलब अब हमें ऑथर क्या बता रही है कि मैं अभी भी अगर आँखें बंद करूँ ना तो मुझे वो डिज़ास्टर सीन मतलब जिसमें सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया वो सीन मुझे अभी भी याद है एज आई ड्रोव अराउंड द कॉर्नर इन टू द कैम्प एंड आर लाइट शोन ऑन वॉट हैड बीन द किचन तो जैसे हमने वहाँ ड्राइव करके गए और हमारी जो कार की जो हेडलाइट थी उन्होंने फोकस किया किचन पर तो वो जो डिजास्टर सीन था अगर मैं आज भी आंख बंद करूँ तो मुझे दिखता है इट वॉज़ फोर्थ नवंबर नाइनटीन सेवेंटी एट कब की बात है ये फोर्थ नवम्बर नाइनटीन सेवेंटी एट की बात है एज सुन एज दून एज द एलीफेंट्स लेव जैसे वहाँ से पाँचों एलिफेंट्स चले गए आई क्विकली गोट आउट ऑफ द कार एंड क्लॉल्ड इन टू द किचन मैं तुरंत जो है कार से बाहर आई और किचन की तरफ गई आई कुड हियर एंड स्मेल गैस स्केपिंग तो मुझे जो था वो गैस की स्मेल भी आ रही थी और सुनाई भी दे रहा था कि यहाँ पे कहीं तो गैस लीक हो रही है आई फाउंड द गैस सिलेंडर एंड removed द regulator टू क्लोज ऑफ द वॉल्व मुझे फटाक से गैस सिलेंडर मिला और मैंने उसका वॉल्व क्लोज किया ताकि गैस लीक ना हो आई have हाउ हॉरिबल इट वुड had स्पार्क हैड सेट ऑफ द गैस elephants were there। बाद में मैंने सोचा कि कितना बड़ा हादसा हो जाता कि अगर किसी भी तरीके से ये गैस तो लीक हो रही और कोई स्पार्क लिट हो जाता तो सारे एलिफेंट्स यहीं पे थे कितना बड़ा एक डिज़ास्टर हो जाता द रिकटी ड्राई किचन वुड हैव गॉन अप इन फ्लेम्स इन सेकेंड्स विकटी का मतलब क्या है जो एकदम बहुत ही ईजीली डैमेज हो सकता है जो एकदम पुअरली मैड मेड जो उनका किचन था वो अलॉन्ग विद द एलिफेंट्स वो विद इन सेकेंड्स पूरा का पूरा कोलेप्स हो जाता वो पूरा का पूरा जो था वो इट वुड हैव गॉन अप इन फ्लेम्स एज एंग एज आई वॉज एट टस्कलेस एंड हर गैंग मतलब मुझे टस्कलेस पर उसके गैंग पर बहुत गुस्सा आता था बट आई डिड नॉट वॉन्ट डेम टू गेट किल्ड और वोटेड लेकिन मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो मर जाएँ या उनकी किसी भी तरीके से उन्हें हार्म हो या वो घायल हो जाए एंड इन एनी केस आई मोस्टली ब्लेम माई सेल्फ फॉर बॉट हैड हैपेन्ड दैट नाइट और वैसे भी उन एलिफेंट्स की गलती नहीं थी उस रात को जो भी हुआ उसके लिए मैं खुद को ब्लेम करती हूँ एंड अनयूजअल सेट ऑफ सर्कम्स्टेंसेस हैडलेट टसप्लस टू आर किचन तो एक बहुत ही अनयूजअल सर्कमस्टेंसेज हुए जिसकी वजह से टस प्लस हमारे किचन तक पहुँच गई थी मस्ाकू माई कुक एंड कैंप वर्कर हैडलेफ्ट ऑन फाइव डेज लीव ऑन थर्ड नवम्बर मसाकू कौन था वहाँ का कुक था और वहाँ का केयरटेकर भी था तो थर्ड नवंबर को वो पाँच दिन की छुट्टी लेके चला गया था ऑन द डे ही लेफ्ट माय कैंप मेट फिलिस हैड कम बैक फ्रॉम अ ट्रिप टू अ ह्यूज लोड ऑफ ग्रोसरीज अब उसी दिन जिस दिन वो गया उसी दिन मेरा एक कैंप मेट था मतलब एक तरीके से एक फ्रेंड था फिलिस जो Nairobi से एक ट्रिप कंप्लीट करके आया था और वो अपने साथ बहुत सारी ग्रोसरीज मीट फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स और प्लस ओवर बनानास भी लेके आया था अगले दिन तो यहाँ पे अच्छा फिलिस जो है शीज अ वन तो अगले दिन वो क्या बनाने वाली थी इन सारी चीज़ों का जो ओवर बनानास बनाना थे वो बनाना ब्रेड बनाने वाली थी तो शी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स द नेक्स्ट डे फिल्म मेकर्स वॉरन एंड जेनी गास्ट हैड अराइट एट द कैम्प फॉर अ प्रोजेक्ट विथ येट अनद्यूज लोड ऑफ फूड नेक्स्ट डे जो थे जो फिल्म मेकर्स थे वॉरन और जेनी गास्ट ये दोनों आए थे उनको शायद वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट करना होगा तो वो लोग भी अपने साथ बहुत सारा खाना लेके आए थे सिंस इट वॉज देअ फर्स्ट नाइट देअ एंड मसाकू वॉज अवे अब क्या हुआ वो सब लोग वहीं पर रुक रहे थे तो

Elephants had broken into the kitchen two years before when no one had been in the camp. Elephants जो थे वो किचन में उन्होंने एक बार और इसके पहले भी अटैक किया था जब कोई नहीं था लेकिन ये कब हुआ था दो साल पहले हुआ था It may, or may not have been tuskless. अब मुझे नहीं पता कि उसमें टस्कलेस इन्वॉल्व थी या नहीं थी There were also a few males around who raided camps then. अभी तो सारी की सारी females थी लेकिन उस वक्त कुछ males भी थे male elephants थे जिन्होंने raid किया था Uh, ये किचन पे आफ्टर दैट वी केयरफुली पुट फूड अवे एंड क्लोज ऑल द ट्रंक्स टू रिड्यूस द दूडोज एंड वी हैड नॉट बीन रेडेड अगेन तो जब वो लास्ट जो डिजास्टर इवेंट हुआ था जब एलिफेंट्स ने किचन में रेड किया था तो उसके बाद इन्होंने क्या किया पूरा जो फूड था उसको बहुत केयरफुली अलग रख दिया था उसे क्लोज और इन लोगों की जो ट्रंक होती है ट्रंक में उन्हें क्लोज कर सकते हैं मतलब उन्होंने उसमें एक तरीके का ऐसा कुछ उसको क्लोज कर दिया था ताकि उनको फूड की स्मेल ना आए ऑन दिस इवनिंग वी पुट अवे एज मच फूड एज़ वी कुड अब आज जो इवनिंग का जो ये हादसा हुआ जब तो उन्होंने मैक्सिमम फूड को कोशिश की कि वो अलग रख दें लेकिन इतना ज्यादा खाना था कि हम उनकी ट्रंक्स को क्लोज कर ही नहीं पाए उनको खुशबू आ ही गई वी इवन लॉक्ड सम फूड इन द कार सो दैट इट वुड नॉट बी लेफ्ट एक्सपोज इन द किचन तो कुछ खाना उन्होंने कार में भी पैक करके रखा था ताकि यू नो किचन में ही सारा खाना ना रह जाए इन अर्ली इवनिंग वी हैड सीन हेडिंग इन अ जनरल डायरेक्शन हमने अर्ली इवनिंग में ना टस्कलेस को देखा था वो हमारे डायरेक्शन में आ रही थी वी शुड हैव नोन बेटर हमें पता होना चाहिए था उसके दिमाग में कुछ चल रहा है By the latter half of 1978, मतलब by the end of close of 1978, Tuskless had become very very bad about reading camps. Tuskless जो है बहुत ज़्यादा रेड करने लग गई थी किचन में शी एंड हर ग्रुप समे मैनी एक दिन में तीन से चार बार रेड कर देते थे बोथ एट नाइट एंड इन डे टाइम और ऐसा नहीं सिर्फ नाइट में कभी कभी नाइट और डे टाइम दोनों में शी चेक आउट आर कैंप ऑलमोस्ट डेली बट वेन शी गॉट टू इंटरेस्टेड इन द किचन शी वॉज चेंज्ड अवे बाई मसाकू तो वो जो थी वो हमारे कैंप में ऑलमोस्ट डेली आती थी लेकिन जैसे ही उसको लगता था वो बहुत ज्यादा किचन में इंटरेस्टेड हो रही है और वो किचन की तरफ आती थी तो मसाकू उसको वहाँ से भगा देता था यूजली जस्ट मसाकू को कुछ करना नहीं पड़ता था मसाकू सिर्फ अपने टेंट से बाहर आके खड़ा हो जाता था और वो लोग चुपचाप वहाँ से निकल जाते थे सारे एलिफेंट्स नॉन चैलेंटली फीडिंग एज इफ नेवर इवन नो देर अ किचन इन दैंप और नॉन चैलेंटली मतलब, मतलब क्या होता है इन अ रिलैक्स एंड कैशुअल वे मतलब वो ऐसे पलट के जाते थे जैसे कि उन्हें पता ही नहीं हो कि यहाँ पे कोई किचन भी है एज इफ देवन बॉर्डर्ड वो तो सिर्फ घास चढ़ने आए थे not. She was just waiting for a chance. तो हमें लगा था टस्कलेस जो है वो मतलब अभी कुछ नहीं करने वाली है और हमारी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है लेकिन हमें ये नहीं पता था टसले सिर्फ अपने एक चांस का वेट कर रही है एंड वॉट रिवॉर्ड शी गॉड और उसको क्या तो रिवॉर्ड मिला शी एंड दर फ्रेश फूड उसने और बाकी के जो फोर एलिफेंट थे उन्होंने हमारा पूरा फ्रेश फूड खा लिया एक्सेप्ट फॉर वॉट वॉज इन द कार बस जो कार में था फूड वो बच गया था एंड मोस्ट ऑफ आर स्टेपल्स मतलब जितना भी हमारा जो मैक्मम प्रोडक्शन था वो उन्होंने पूरा खा लिया था वॉट डे डि नॉट ईट दे मोस्टली जो उन्होंने नहीं खाया

उन सबको क्या किया उन्होंने एक क्लोज व्हीकल में रख दिया ये सोच के कि एलिफेंट्स को अगर मन किया और वो फिर से आ रेड करने के लिए तो तो कुछ भी नहीं बचेगा इसलिए उन्होंने उसको क्लोज करके रख दिया दैट्स इट गाइज हियर वी आर डन इन मॉस बट आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर स्टोरी आई रियली फेल्ट कि जो नेशनल पार्क्स के जो इंसिडेंट्स होते हैं एडवेंचर्स होते हैं वो कितने इंटरेस्टिंग होंगे तो आप में से कितने लोगों को मन करता है किसी नेशनल पार्क को विजिट करने का इफ़ यू हैव एवर विजिटेड अ नेशनल पार्क देन डू टेल मी हाउ वाज योर एक्सपीरियंस डिड यू टॉक टू एनी ऑफ द केयर टेकर्स या आप सिर्फ जो है एनिमल्स को देख के वापस आ गए थे तो डू टेल मी बिकॉज आई नाउ विश एंड प्लान टू विजिट अ नेशनल पार्क सून एंड सी यू नो द वर्ल्ड इज अ डिफरेंट वर्ल्ड आउट देयर सो दिस वॉज ऑल अबाउट टस्कलेस एंड द अदर एलिफेंट्स हु रेडेड द किचन i hope you found this story really interesting because i certainly did in our next video we are going to continue with summary and question answers of this chapter so stay tuned stay focused and uh, i'll see you soon there in the next video but please do not forget to like and subscribe and share it with your friends because sharing is important also visit our website which is magnetbrains.com why because इट्स वेरी इजी टू फाइंड एनी वीडियो देयर और यू हैव टू डू इज गो टू कोर्सेज जहाँ पे क्लास वन से क्लास ट्वेल्व के सारे जो क्लासेस के सब सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं क्लिक ऑन द सब्जेक्ट क्लिक ऑन द टॉपिक दैट यू विश टू स्टडी एंड देन योर वीडियो विल अप्योर विच इज़ वेरी ईजी राइट थैंक यू सो मच गाइज वंस अकेन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय बाय